तो आप हमारे हैं C2B के टॉप विनर जी, एंड बहुत सारे लोग इस ट्रॉफी के लिए फाइट कर रहे थे और आप वो ट्रॉफी ले गए अपने घर, तो कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत एक्साइटेड था, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था कि मैंने विन किया है मतलब। हाँ। तो ये सब आप लोगों की, आप लोगों ने जो नए टैलेंट्स को जो प्लेटफॉर्म दिया है, सब आप लोगों की वजह से ही है। तो मतलब आपका जब आपका नाम अनाउंस हुआ था, आपको कैसा लगा? मैं आई वाज शॉक्ड, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा नाम लिया सब लोगों को, अच्छा लगा। अब मेरी कोशिश यही रहेगी आगे भी ऑडियंस के लिए ही, मैं मुझे अपनी जो बाकी की लाइफ है सिंगिंग में, तो ऑडियंस को अच्छा लगना चाहिए बस। तो आपकी फैमिली को अच्छा लगा आपने ट्रॉफी जीती? हाँ, फैमिली को भी ऑब्वियसली लगेगा। हाँ, ऑब्वियसली ना जी। हाँ, तो वेरी नाइस। तो बीच में जज ने शायद आपको केवल आपको बुलाया था जी, जी, जाने के लिए। हाँ। तो आपके उस टाइम दिमाग में कुछ क्या ख्याल रहा है कि मुझे क्यों बुला रहे हैं? शायद उनको कुछ अच्छा लगा होगा, इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया था। और बहुत ही अच्छे जज थे वो, इस्माइल दरबार जी के ब्रदर थे, तो बहुत ही गुणी इंसान है वो भी। और तो सब आप लोगों की वजह से हुआ, और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सोनिया जी, और आपने जो सपोर्ट किया हमें सभी लोगों को बहुत, इतने अच्छे अरेंजमेंट्स यहाँ पे किए हैं। देखो काफ़ी लोग इधर, सभी जगह से लोग आए यहाँ मुंबई, तो किसी को भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ, बहुत ही सपोर्टिव रहे सभी लोग, और आपकी टीम बहुत ही अच्छी है। थैंक यू सो मच। हम और आगे भी ऐसे ही करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग और तो आप लोग मैं, के लिए हैं। मैं चाहूँगा आप लोगों के साथ में ही काम करूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप यहाँ पे आए हो, मतलब कॉन्टेस्ट तो एक पार्ट था, उसके साथ में आपने ओरिजिनल गाना भी गाया जी है। हाँ, आप आज शेमारू का भी गाने की तैयारी में है, राइट? ओरिजिनल कंपोजिशन है। इतना सब कुछ एक साथ दो दिन में आप कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि एक ओरिजिनल गाना आपका निकला है और एक वो हाउ आर यू फीलिंग? बहुत मेहनत की, मतलब इतनी जल्दी कंपोजिशन रेडी करना, आपके जो सुमित जी हैं जिन्होंने कंपोज किया, फिर पल्लव जी हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा कंपोज किया है, और आपके जो राइटर हैं अमित जी, उन्होंने क्या फटाफट सब लिखा और फिर हमने उसको रिकॉर्ड किया सेम डे, विद इन आवर, एक घंटे में सब हुआ। तो उसको फिर परफॉर्म करना, लिरिक्स याद रखना, बहुत मतलब मेहनत तो हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज हम सब यही था हमारा, कंसंट्रेट करना है अपना जो भी परफॉर्मेंस पे। तो वेरी वेरी नाइस, एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट, एंड डेफिनेटली जुड़े रहेंगे आगे भी, बहुत काम साथ में करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हां, थैंक यू, थैंक यू सो मच, या थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे राजेश महबूब स्टूडियो से, और अब हम सोच रहे हैं कि किसको पकड़े। अभी तो कोई सामने दिख नहीं रहा, पर अगर कोई मिला तो जल्दी ही पकड़ के फिर मिलेंगे। थैंक यू।